Hey guys, welcome to my channel Happy Mummy Vlogs, and today's video is about Paneer Bhurji recipe for 1 year old baby. बच्चों के लिए पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ऑफ चॉप्ड बीन्स, 1/4 कप ऑफ चॉप्ड कैबेज, 1/4 कप ऑफ चॉप्ड एंड डाइस टमाटोज, 1/2 कप फाइन चॉप्ड ऑनियंस, 1/2 कप चॉप्ड कैप्सिकम, 1/4 टीस्पून ग्रीन चिली, 1 कप ग्रेटेड पनीर। इन सारे वेजिटेबल्स को हमको फाइनली चॉप कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। कैबेज की जगह आप कॉलीफ्लावर यूज़ कर सकते हो, ब्रोकली यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी और वेजिटेबल्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद कुछ स्पाइसेस हमें चाहिए, जैसे कि 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून मिक्स स्पाइसेस, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, हींग, गरम मसाला। इन सबको मिला करके मैंने घर पे ही एक मसाला प्रिपेयर किया है, जो मैं बच्चे की सब्ज़ी में या फिर राइस में ऐड करती हूँ। 2 टेबल स्पून घी या फिर ऑलिव ऑयल एंड 1/4 टीस्पून ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। बच्चों का फूड प्रिपेयर करने के लिए हम नॉनस्टिक पैन, सिरेमिक कोटेड पैन या फिर स्टील के पैन का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पैन को गर्म करना है, फिर उसमें हम देसी घी या फिर अगर ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसे डालना है। तेल अब गर्म हो चुका है तो इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं। ज़ीरा हमें लाल होने तक भुनना है, और जब ज़ीरा लाल हो जाए तो इसमें हमें चॉप्ड अनियन और चिली ऐड करनी है और इसे अच्छे से सॉटे करना है। इसके बाद इसमें कैप्सिकम और कैबेज ऐड करनी है और इसे 2 मिनट तक चलाते हुए हल्का भूनना है। अभी मैं मेरी मम्मा के यहाँ आई हुई हूँ और आज डिनर में मैंने अनिका के लिए पनीर भुर्जी प्रिपेयर करी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूं। इसके बाद हमें इसमें डाइस टोमेटोज ऐड करने हैं और उसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और साथ ही में फ्राई करना है। पनीर भुर्जी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप यूं ही सिंगल भी बच्चे को खाने को दे सकते हैं। ये बहुत टेस्टी फील होती है और बच्चा इसे बहुत ही अच्छे से खाता है। जब ये वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद जितनी भी वेजिटेबल्स इसमें डाली गई हैं वो हल्की सी गल जाएंगी, और जब ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी गलने लग जाएं तो इसमें हमें जो हमने पाउडर बनाया था स्पाइसेस का वो पाउडर ऐड करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप हल्दी और टेस्ट या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमें 2 मिनट के लिए इसे ढक करके पकाना है। ये वेजिटेबल्स हमें हाफ कुक करनी है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वेजिटेबल्स हाफ कुक हो चुकी हैं, आधी गल चुकी हैं, और इसे मिक्स करते हुए हमें इसका जो बचा हुआ पानी है वो थोड़ा सुखाना है और वेजिटेबल्स को ड्राई करना है। वेजिटेबल्स को हल्का चलाते हुए आप सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब्जियां जलेंगी नहीं और चिपकेंगी नहीं। सब्जियों को आप धीमी आंच पर ही फ्राई करें और कुक करें। इसके बाद आप जो हमने पनीर ग्रेट किया हुआ है वो पनीर ऐड करें।
पनीर अगर फ्रेश है, घर पे बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेक्सचर देगा और बच्चे को खाने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद पनीर ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से चला लीजिए। पनीर जब सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आप इसे 1 या 2 मिनट के लिए ढक कर के पकाइए। ढक कर के पकाने से जो स्टीम बनेगी उससे सब्जी में जो स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं, वेजिटेबल ऐड किए हैं, उसका नेचुरल फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा, जिससे कि खाने में वो बहुत टेस्टी फील होगी। 1 मिनट के बाद पनीर भुर्जी बन के तैयार है। आप इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो कोरिएंडर की जगह थोड़ी सी मिंट भी ऐड कर सकते हैं, मिंट भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। और इसके बाद इसे अच्छे से आप मिक्स करिए। जब भी आपको इसको सर्व करना है तो ऊपर से आप इसे चॉप पनीर या फिर चॉप्ड कोरिएंडर के साथ गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। पनीर भुर्जी की तरह ही आप पनीर की और भी कई सारी डिशेज हैं जो प्रिपेयर कर सकते हो और बच्चों को 1 साल के बाद खाने के लिए रोटी या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हो। There are more recipes on the way. So if you like my video, please do like and subscribe my channel. Thanks for watching Happy Mommy Vlogs. Stay happy. Bye-bye and good night.